तो आज हम जो टॉपिक लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वन का, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। तो देखो, सिर्फ डेफिनेशन वाइज थोड़ी सी बात समझनी है, बाकी ये कोई न्यूमेरिकल कोई नया नहीं है, सेम स्टोइकोमेट्री वाली चीज़ें ही इस्तेमाल करेंगे, सेम वही सारे काम करना है, थोड़ा सा फ़र्क है, फ़र्क समझो। पहली बात तो रिएक्टेंट याद रखो दो तरह के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें दो तरह के रिएक्टेंट होते हैं, एक होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक होता है एक्सेस रिएक्टेंट। लिमिटिंग मतलब कम, एक्सेस मतलब होता है ज़्यादा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट होता है, ये वो रिएक्टेंट होता है विच फॉर्म्स लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट की सबसे कम अमाउंट की फॉर्मेशन करता है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी का उलट होता है एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, विच फॉर्म्स मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, जो ज़्यादा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। एक और डेफिनेशन की तरह से कह सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, वो रिएक्टेंट जो किसी भी रिएक्शन में पहले खर्च हो जाए, पहले खर्च हो जाता है, पहले ख़त्म हो जाता है, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। और एक्सेस रिएक्टेंट जो होता है वो जो कि क्या होता है कि बाद में खर्च होता है, बाद में ख़त्म होता है किसी रिएक्शन के दौरान। इसको समझने के लिए जो है वो दो तीन एग्जाम्पल्स आप इसको समझें पहले, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक रिएक्शन यहाँ पर लिखता हूँ कि ए ने रिएक्शन किया बी के साथ और ए बी के साथ रिएक्शन करके सी की फॉर्मेशन कर गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक दो रिएक्टेंट्स आपको दिख रहे हैं, एक ए और एक बी, दो रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं और एक प्रोडक्ट मिल रहा है आपको जो कि सी है, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ ए जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और बी जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए जो सी की फॉर्मेशन करेगा वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब ए से जो सी बनेगा लेट से के वो 100 ग्राम बन गया और बी से जो सी बन रहा है लेट से के वो 80 ग्राम बन गया, सॉरी उल्टी रिवर्स कर दिया, ए जो है वो कम बनाएगा तो 80 ग्राम और बी जो है वो सी के 100 ग्राम बना रहा है। उसका मतलब ये हो गया कि ए लिमिटिंग है चूँकि लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है और बी एक्सेस रिएक्टेंट चूँकि मोर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, सही है। अच्छा, दोनों में से रियल कौन सा होगा, दोनों में से रियल कौन सा होगा, जो ए होगा, ए से जो सी बनेगा ना वो रियल बनेगा, बी से जो सी बनेगा वो रियल नहीं बनेगा, वो हाइपोथेटिकल बनेगा, थियोरेटिकल बनेगा, चूँकि इस सब के पीछे एक पूरा रूल फॉलो होता है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, जो क्लास 9th के अंदर चैप्टर 2 में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने पढ़ा था। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ वो रूल क्या कहता है। अब मैं कोई केमिकल रिएक्शन में कोई एक्चुअल में एलिमेंट्स ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे H2 लिया और S लिया, H2 और S मिलकर H2S बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, H2S बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। और आप यहाँ से अगर इक्वेशन से देख लो, मास मास रिलेशनशिप अगर हम अप्लाई करें तो हमें पता है कि 2 ग्राम हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है 32 ग्राम ऑफ सल्फर से तो कितना बनेगा, 34 ग्राम ऑफ H2S बन जाएगा। ये इसकी कांस्टेंट कंपोजिशन है कि 2 ग्राम क्यों, चूँकि H2 का मॉलिकुलर मास 2 निकलेगा, एटॉमिक मॉलिकुलर मास, जबकि सल्फर का एटॉमिक मास सब जानते हैं 32 ग्राम होता है, 32 AMU होता है, तो दोनों मिलकर 34 ग्राम ऑफ H2S की फॉर्मेशन कर लेंगे, सही है। अब अगर हम यहाँ पर सल्फर को बढ़ा दें, सल्फर, अब एक नया एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन को तो 2 ही ग्राम रखते हैं लेकिन सल्फर को 64 ग्राम रख देते हैं। अब रिएक्शन जब होगा तो याद रखो बच्चों, सल्फर 64 ग्राम यूज़ नहीं होगा क्योंकि 2 ग्राम हाइड्रोजन सिर्फ 32 ग्राम सल्फर ही इस्तेमाल करता है, उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकता। तो होगा क्या कि ये जस्ट 32 इस्तेमाल होगा ग्राम और 32 ग्राम वैसे ही बच जाएगा, 32 यूज़ होगा और 32 बच जाएगा, बच गया चूँकि यह ज़्यादा था। तो इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन ने, अब हाइड्रोजन से अगर हम देखेंगे तो वो तो 34 ग्राम ही बना रहा है, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए हम इस हाइड्रोजन को यहाँ पर कहेंगे ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ये रिएक्शन में पहले खर्च हो जाएगा। लेकिन यही अगर हम सल्फर की बात करें जो हमने 64 ग्राम लिया था, तो पहली बात तो अगर सल्फर के लिहाज से देखा जाए 64 ग्राम के लिहाज से तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, लेकिन वो थ्योरेटिकली बनेगा, प्रैक्टिकली नहीं बन सकता, क्यों, चूँकि उसका साथ देने वाला हाइड्रोजन तो खत्म हो चुका है, समझ गए। तो इसका मतलब जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट से, वही आपका एक्चुअल आंसर होगा, और जो ज़्यादा वाला बन रहा होगा वो गलत आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर दो आंसर आते हैं, एक ज़्यादा आता है और एक कम आता है। जो कम वाला आंसर होता है वो करेक्ट माना जाता है चूँकि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट बना रहा होता है। बात समझ में आ गई। इसको एक और एग्जाम्पल से समझो कि, और अगर इसको एक जर्नल और सिंपल एग्जाम्पल से अगर हम उसको शो करें, ठीक है, तो लेट्स से कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि
दो रोटी को खाने के लिए लेट से के एक प्याली सालन चाहिए, तो वन बाउल करी चाहिए, ठीक है, वन बाउल करी चाहिए, तो उससे क्या होगा कि भाई जो है वो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, पेट भर जाएगा, लेट से किसी इंसान की खुराक है ये, ठीक है। लेकिन यही अगर मैं क्या कर लूँ कि दो रोटी के बजाय चार रोटी ले लिया जाए और एक बाउल ही करी लिया जाए, अब रोटी बच जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, दो रोटी तो खा लेगा वो, दो रोटी बच जाएगा, तो यहाँ पर करी जो हो गया वो लिमिटिंग हो गया, जल्दी ख़त्म हो जाएगा वो, लेकिन ये एक्सेस हो गया, ज़्यादा में पड़ गया, तो पेट भरने के लिए ये काफ़ी था, इसकी ज़रूरत चार रोटी की ज़रूरत नहीं थी, तो ये एक्चुअल आंसर होगा, बात समझ में आ गई, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो जो कम अमाउंट ऑफ फूड बनाएगा वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट हो, जो तो मिनिमम अमाउंट में होता है, बात समझ में आ रही है सबको, ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल, और कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं होता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये आप कैसे पहचानेंगे फिर कि ये सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का है, तो एक से ज़्यादा रिएक्टेंट के मासेस गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये सवाल को अगर देखो राइट साइड पे बिल्कुल कॉर्नर पे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विथ 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। अभी तक हमने जितने भी सवाल किए तीन क्लासों में, मास मास में, मास वॉल्यूम में, वॉल्यूम वॉल्यूम में, सब में गिवन सिर्फ एक ही होता था, बस नंबर एक ही गिवन करते थे, अब भले रिक्वायर्ड एक दो तीन चार जितना भी कर लें, गिवन एक ही करते थे, लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट फौरन से समझ में आता है सवाल, क्यों इसमें एक से ज़्यादा गिवन कर देते हैं, गिवन एक से ज़्यादा चीज़ों को कर देते हैं, कहता है 100 ग्राम नाइट्रोजन भी है 100 ग्राम हाइड्रोजन भी है, अब आप बताओ कि कितना अमोनिया बनेगा, जाहिर सी बात है उसके दो आंसर आएंगे, एक बार हाइड्रोजन से निकालना पड़ेगा, एक बार नाइट्रोजन से निकालना पड़ेगा, जो कम आंसर आएगा वही आपका एक्यूरेट आंसर होगा, ठीक है। वैसे मिसाल के तौर पर लेट्स से कि अगर बिरयानी बनानी होती है कि भाई कोई फंक्शन है बिरयानी बनवानी है, तो उसका एक फिक्स रेशियो होता है चावल और गोश्त का, कि 10 किलो की अगर आपको बिरयानी बनानी है, 10 किलो चावल अगर आप डाल रहे हो, तो उसमें जो है वो मिनिमम आप 2 केजी गोश्त आप डाल लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा ही डाल लेते हैं, कितना 2 किलो बोल दिया, 5 किलो सॉरी, ठीक है, 2 किलो तो कम हो जाएगा, फिर आलू बिरयानी हो जाएगा, ठीक है। तो 10 किलो चावल अगर आप डाल रहे हो, तो उसमें 5 किलो तो आप बिरयानी वो जो है वो गोश्त डाल लेते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर ये एक फिक्स रेशियो है, अगर आप क्यों कहा जाए कि भाई नॉर्मल, अब ये फिक्स रेशियो है, लेट्स से अब कहा जाए कि भाई 20 किलो चावल है और 5 किलो गोश्त है, तो अब बिरयानी सही नहीं बन सकती, अब यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा ना आपका, वो गोश्त हो जाएगा, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और चावल जो हो जाएगा वो एक्सेस में हो जाएगा, 10 किलो बचा रह जाएगा, चूँकि बनेगा ही नहीं। मतलब कोई आपसे बोल दे अगर कि भाई मेरे पास 5 किलो गोश्त है और 20 किलो चावल है, बताओ बिरयानी कितनी बन सकती है, तो हम वही बताएंगे कि 5 किलो के लिहाज से ही बन सकती है, 20 किलो चावल के लिहाज से नहीं बन सकती है, चूँकि उससे पहले वो ख़त्म हो चुका होगा गोश्त। सेम यही सवाल इस तरह का होता है कि दोनों 100-100 ग्राम दे दिए गए हैं, दोनों में से एक लाजमी लिमिटिंग होगा कि एक लाजमी एक्सेस होगा, एक रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाएगा, और जब पहले ख़त्म हो जाएगा उसी की बुनियाद पर एक्यूरेट आंसर आएगा, एक्चुअल वैल्यू आएगी, दूसरे वाले से क्यों नहीं आएगी, चूँकि उसको रिएक्टेंट मिलेगा ही नहीं दूसरा रिएक्शन करने के लिए, वो आखिरी में बचा रह जाएगा, ऐसे एक्सेस में हो जाएगा, समझ में आ रहा ना फंडा क्या है उसका, फंडामेंटल्स क्या है उसके, ठीक है। चलो सॉल्यूशन, भाई फंडामेंटल समझना, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, न्यूमेरिकल तो अपने आप हो जाता है, ठीक है। बच्चे हमारे क्या होते हैं, कैलकुलेशन में डर रहे होते हैं, मैं बोलता हूँ अभी पागल हो क्या, कैलकुलेशन में क्यों डरते हो, बच्चे कैलकुलेशन को सोचते हैं, भाई कैलकुलेशन तो बाएं हाथ का खेल है, मैंने कहा सवाल को करना आना चाहिए, सवाल समझ में आ जाए कि करना क्या है इसमें, कैलकुलेशन करना, फॉर्मूला लगाना, कैलकुलेटर चलाना कोई महारत वाला काम नहीं है, ये हर कोई कर लेता है, समझ गया ना, मसला ये है। तो कॉन्सेप्ट समझो, रिएक्शन दिया हुआ होगा वैसे तो, लेकिन मैंने नहीं भी लिखा तो ये रिएक्शन तो इतना आसान है कि हम ऐसे खुद भी लिख सकते हैं, N2+3H2 इट फॉर्म्स 2NH3। अब यहाँ पर दो बार सॉल्यूशन होगी, ठीक है, एक बार नाइट्रोजन से और एक बार हाइड्रोजन से, दो बार आंसर आएगा, एक आंसर करेक्ट होगा। तो पहले मैं नाइट्रोजन से निकाल लेता हूँ, अच्छा एक वक्त में एक ही यूज़ कर सकते हैं रेशियो मेथड में, एक गिवन और एक रिक्वायर्ड के रूल पे चलता है ये, ठीक है। तो पहले हम नाइट्रोजन से मालूम करते हैं हाइड्रोजन कितना निकलेगा, तो पहली लाइन आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन, दूसरी लाइन आ जाएगी फ्रॉम क्वेश्चन। अब चूंकि मास गिवन है तो मास मास रिलेशनशिप लगानी पड़ेगी, 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गिवन है ना, तो जो गिवन होता है उसी का रिलेशनशिप लगता है, तो मास मास रिलेशनशिप लगा देते हैं। तो ये हो गया आपका बच्चों 20, कितना हो गया 28, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रोड्यूसिंग 34 हो गया, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं 100 ग्राम ऑफ विल प्रोड्यूस हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया, एक्स ग्राम ऑफ अमोनिया,
रेशूज अप्लाई कर देते हैं बाय अप्लाइंग रेशू मेथड. 28:34 100:x. तो 28/34 इक्वल टू 100/x क्रॉस मल्टीप्लाई 28x इज इक्वल टू 100 × 34 x इक्वल टू 100 × 34/28. नाउ सॉल्व इट. 121.4 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस. अभी नहीं पता सही है गलत है, अभी बता ही नहीं सकता कोई इसको. अभी हम नहीं जानते कि इधर दिस क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग. ये सवाल सही है कि गलत है नहीं पता अभी ये आंसर. हमें दूसरा भी निकालना पड़ेगा. अभी कोई फतवा नहीं दे सकते इसके बारे में कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन के एक्सेस रिएक्टेंट है, जब तक कि हम दूसरा आंसर ना निकाल लें, फिर कंपेरिजन करेंगे. ठीक है, ओके. वैसे मेरी बात बच्चों को एक मिनट में भी समझ में आ जाती है, लेकिन मैं पता नहीं क्यों 20 मिनट तक की बात करते रहते. मुझे लगता है बच्चे ज़्यादा बेवकूफ होते हैं या मैं बहुत ज़्यादा बता देता हूँ. ठीक है, पहले में आप समझ चुके करने क्या वाले हैं. ठीक है, यही करने वाले हैं. ठीक है, ओके. तो सेम वही है कि फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम क्वेश्चन. ठीक है, दाओ कितने ग्राम, 6 ग्राम से कितने ग्राम बन रहे हैं, 34 ग्राम. 100 ग्राम से कितना बनेगा भाई, कुछ तो बनेगा, तो एक्स बनेगा. रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट मार. 6/34 इक्वल टू 100/x क्रॉस मल्टीप्लाई 6x इक्वल टू 3400 x इज इक्वल टू कितना 566.66 ग्राम ऑफ व्हाट, ग्राम ऑफ अमोनिया गैस. इतनी अमोनिया गैस बनेगी भाई. यस, अब सारी बातें क्लियर हो गई हैं. नाइट्रोजन गैस से 1:1.4 ग्राम ऑफ अमोनिया बन रहा है, जबकि हाइड्रोजन गैस से 566.66 ग्राम बन रहा है. तो यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट नाइट्रोजन है क्या हाइड्रोजन है? नाइट्रोजन है. ठीक है, तो सो नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट. नाइट्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, चूंकि वो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है. तो ये क्या होगी आपका, यस, तो H2 हाइड्रोजन जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट है, चूंकि एक्सेस रिएक्टेंट है. तो अगर आपसे आंसर पूछा जाए कि कितना बनेगा आपके पास, एक्चुअल में कितना बनेगा आपके पास अमोनिया गैस, तो जो लिमिटिंग बना रहे हैं ना वही बनेगा. तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1:1.4 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस. और इसको फिर आप आगे उसके बॉक्स अप करके आंसर लिख दिया आपने. बस ओके, हेयर ऑन पेज नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रीड द क्वेश्चन. अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ईच ऑफ दिस सॉलिड्स इज हीटेड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनिया गैस आर प्रोड्यूस्ड. आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस एट STP. तो क्या ये सवाल लिमिटिंग रिएक्टेंट का है? लिमिटिंग रिएक्टेंट का इसलिए कि ईच का वर्ड आपको यहाँ पर मिल गया. ईच का मतलब हर एक. ये दोनों सॉलिड्स 100 ग्राम ले लिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है बताएं अमोनिया गैस का कितना ग्राम बनेगा. तो आप बता सकते हैं आराम से, मतलब एक बार NH4Cl के जरिए पता लगेगा, एक बार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जरिए पता लगेगा. जो कम आएगा वही आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, वही आंसर होगा. सिंपल पिछले सवाल की तरह, लेकिन पिछले सवाल से थोड़ा आसान है क्योंकि वहाँ पर 3 रिएक्टेंट थे, यहाँ पर 2 रिएक्टेंट हैं. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन मार्क के बाद एक और सवाल कर लिया आपसे आगे. Also find the volume of ammonia gas as STP. कि ये बताएं जो अमोनिया गैस है उसका वॉल्यूम कितना बनेगा. तो जो आपका मास आया होगा ना लिमिटिंग रिएक्टेंट से, उसी से आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेगे. और STP पर बताना है तो डोंट यूज जनरल गैस इक्वेशन. जस्ट यस, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.41 आंसर आ जाएगा. दूसरा वाला हो जाएगा सबसे करो.